नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण और रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूँ। तो मैं पांडास के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, तो उसका आज मैं सीखूँगा कि रीड एक्सेल फाइल या रीड एचटीएमएल फाइल वगैरह वगैरह के बारे में। तो मैं डेवलपर विंडो में चला जाता हूँ और उसके बाद पाइचाम को ओपन कर लेता हूँ और ओपन होने दीजिए, ये ओपन हो गया और इसके बाद ये ड्रैकुला के लोड में ओपन हो गया। अब इसमें लिख लेता हूँ इम्पोर्ट, लिख लेता हूँ इम्पोर्ट 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 पांडास इम्पोर्ट पांडास। और उसके बाद इसका जो नाम है उसको एज पीडी लिख लेता हूँ। और उसके बाद इसमें क्या एरर दिखा रहा है, इसमें कुछ भी एरर नहीं दिखा रहा है। तो इसके बाद हम इसमें सीएसबी फाइल तो ओपन कर ही चुका है, फिर भी एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं कि इसमें एफ इक्वल टू डी कोलोन स्लैश स्लैश एम आई एस एस आई एन जी मिसिंग ओ डी ड्राइव में देख लेते हैं क्या है। यही कुछ है शायद, डी ड्राइव में कुछ है क्या है देख लेते हैं। मिसिंग डेटा सी एस बी, इसको ओपन कर लेते हैं। तो मिसिंग डेटा सी एस बी डॉट सी एस बी, और इसको ओपन करना चाहते हैं तो हमें कायम करते हैं डी ए फिजिकल टू पी डी डॉट रीड सी एस बी, और इसके अंदर वो फाइल वाला स्ट्रिंग डाल देते हैं और इसके बाद ये सारे के सारे को रन करते हैं। तो ये रन हो चुका और इसमें df डाल देंगे तो डेटा फाइल आ चुके होंगे। तो ये तो csv से हमने ओपन कर लिया और रन कर लिया। आप मान लीजिए यही फाइल हमको एक्सेल में से ओपन करना है, तो मेरा प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि एक्सेल सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसमें मैं फिर से ट्राई करना चाहूँगा तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं और इसको मिटा देते हैं। और इसमें हमें और एक चीज़ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चीज़ इंपोर्ट करना है। उसका OS डॉट गेट सी डब्ल्यू डी यही कमेंट यूज़ करना है और इन सारे को कमेंट में डालना है और इसको सिर्फ रन करते हैं। तो इसमें पाइथन का पार्ट पार्ट दिखा रहा है, पाथ दिखा रहा है, पाथ, ठीक है। तो पाथ तो दिखा दिया कि यहाँ पे पाथ है, तो इसमें ओपन करना है। तो हमको एक काम करना पड़ेगा कि इसका जो फाइल है वो ए है और इसका जो डी एस है वो ए है, तो इसमें हमें डालना है पी डी के अंदर एक्सेल ई एक्सेल फाइल डाल दिया और इसको रन करते हैं। ईरो दिखाता है नहीं दिखाता है, तो इसमें ईरो दिखा रहा है। तो क्यों ईरो दिखा रहा है इसके बारे में एक काम अगर हम कर देते हैं कि इसको इरर दिखाने से पहले वाले ने जो दिखाया कि यही वाला, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर अगर हम उस फाइल को डाल देंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद इसमें मैं सिर्फ ए डाल देते हैं और इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर भी रो दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको हम कंट्रोल जेड डाल देते हैं और इसको हम जुपिटर में ट्राई करेंगे। तो हमको जुपिटर लिखना है, जुपिटर नोटबुक लिखना है। जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद जुपिटर ओपन हो जाएगा और जुपिटर में हमें नया फाइल लेना है और उसमें पेस्ट करना है और उसको रन करना है। तो ये शायद हो चुका। अब इसमें हमें हमने दो सीट डाला है, तो दो सीट के बारे में हमें जानना है। तो हम इसमें यूज़ करते हैं कि प्रिंट प्रिंट कर दो भैया वही कुछ और वही डी एफ का
डीएफ का दो सीट नेम है, सीट नेम्स, तो इसको रन करेंगे तो दोनों सीट नेम दिखाई देंगे और इसमें से हमें दोनों के दोनों को लेना है। तो डीएफ वन में हम ले लेते हैं कि डीएफ का रुद्रा वाला, और डीएफ टू में ले लेते हैं, डीएफ टू में ले लेते हैं डीएफ का अकबर वाला। अब इस दोनों को रन करा देते हैं तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, ये ले चुके हैं। अब इसके बाद इसको प्रिंट भी करना है, तो इसको प्रिंट करना है तो डीएफ वन ले लेते हैं और इसको प्रिंट रन करते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं आया तो प्रिंट लगा देते हैं। प्रिंट लगाने के बाद इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देते हैं और इसमें डीएफ टू कर देते हैं। अब इस सारे के सारे को रन करते हैं, तो ये देखिए पहले रुद्र वाला आ चुका है, उसके बाद अकबर वाला आ चुका है और इसमें हम आसानी कर देते हैं कि इसमें एक स्टार को 40 टाइम प्रिंट कर देते हैं और फिर इसको रन करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं। तो ये देखिए इसमें 40 टाइम तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें इंटू डालना पड़ेगा तो अब हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए 40 टाइम का गैप हो चुका है और दोनों फाइल आ चुका है। इसी तरह हम यहाँ पे एक्सेल फाइल को भी इंपोर्ट कर लिए। आप मान लीजिए कि हमें एचटीएमएल फाइल को इंपोर्ट करना है तो हम गूगल पे चले जाते हैं और गूगल में जाके लिख देते हैं, यही कोई सैंपल एक डेटा है लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और इसमें यही सैंपल विकी का विकिपीडिया को ओपन कर लेते हैं और इसमें लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट का डेटा है, नेम सिटी यही वगैरह वगैरह है, इसको कॉपी कर लेते हैं और जुपिटर में फिर से चले आते हैं। और चले आने के बाद इसका जो सिंटैक्स है वो हमें याद नहीं रहता, तो इसको हम फिर से ट्राई करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देने के बाद इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि रीड एचटीएमएल वाला कुछ होगा, रीड एचटीएमएल, और इसमें वही ऐप को डाल देते हैं और इसको रन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शायद हो गया तो अच्छा, नहीं हो गया तो भी अच्छा। तो इसमें रीड करने की कोशिश किया लेकिन रीड नहीं हुआ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे प्लस साइन करके एक लेके इसको डाल देते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए ये शायद हो जाएगा, शायद हो गया। अब अगर हुआ है या नहीं हुआ है देखने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं कि इसमें से गार्बेज वाला प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट डीएफ, तो डीएफ का प्रिंट ले लिया। तो ये देखिए ये डेटा आ गया है, ये डेटा आ गया है और ये डेटा 7, 8, 9, 12 वाला कॉलम में है और 2 है और ये 6 है और टोटल इसमें 12 कॉलम है। तो इसका हम टाइप भी जान सकते हैं, जैसे कि हमें इसका टाइप मालूम होना चाहिए तो हम उसमें एक काम कर देते हैं, टाइप वाला चीज़ डाल देते हैं और इसका टाइप भी जान लेते हैं। अब इसको रन करेंगे तो इसका टाइप सॉरी इसमें ज़्यादा ले लिया तो इसको नहीं चाहिए, हटा देते हैं। इसको फिर से रन करेंगे तो इसका टाइप क्या है, टाइप डीएफ में नहीं, बैकेंड मिसिंग हो गया था, तो ये टाइप डीएफ लिस्ट है। और जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इसका जो ले रहा है, जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम एक काम करते हैं कि डीएफ में ही डीएफ का एक गार्बेज वाला ले लेते हैं या ग्राफ कर लेते हैं फाइलें वाला को और इसको फिर से रन करते हैं। तो ये पांडास डेटा फ्रेम आ चुका है, लिस्ट के बदल में डेटा फ्रेम आ चुका है। और एक काम करते हैं, आप एफ डीएफ का कॉलम COLUMNS, मुझे तो टाइपिंग में बहुत ही दिक्कत होती है फिर भी ट्राई करते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ से ले लेते हैं df.col
नहीं आ रहा है क्या? छोड़िए, इसको कंट्रोल जेड डाल देते हैं, सीएसबी वाला ले लेते हैं तो शायद आ जाएगा। हाँ, आप इसको रन कर देते हैं। आप इसमें डाल देते हैं df.c, हाँ कॉलम्स, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं df.column। तो इसका कॉलम जो है वो आ चुके हैं, 12 कॉलम है। सब कुल मिला के इसमें 12 कॉलम है। आपने भी देख चुका है पहले कि इसमें 12 कॉलम है, देख लीजिए फिर से कि इसमें 12 कॉलम है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट df कर देते हैं, तो इसमें 12 कॉलम आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 12 कॉलम आ चुका है। यही कुछ 1012 से स्टार्ट होके इसमें से 12 कॉलम आ चुका है। तो इसमें वो 12 कॉलम HTML से भी आ चुका है, तो उसको दिखा रहा है। और इसका सेप shape सेप वाला सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका सेप भी आ चुका है। ये सारे के सारे थिंग हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं वो सारे के सारे चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने डेटा को रीड कर लिया एक्सेल से, एचटीएमएल से और सीएसवी फाइल से। इसके बाद जो होता है उसका मतलब होता है डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें मिसिंग वैल्यू को देख खुद ढूंढना पड़ेगा, उसमें रिमूव करना पड़ेगा, एनए को वगैरह वगैरह काम करना पड़ेगा जो हमने एक बार दिखाया है। और डेटा वाइल्डिंग के बारे में चले जाते हैं। तो डेटा वाइल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है कि हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो कॉलम टाइप को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे डेट रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो रहने दीजिए, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे चला आते हैं और यहाँ पे कॉलम लग लिख देते हैं। तो ये सारे के सारे कॉलम्स है। और इसके अलावा भी हमको कॉलम का जो बहुत सारे एट्रीब्यूट है उसको करना है। तो इसमें हमने तो डेटा ले लिया है, डेटा लेने के बाद हमको इसमें टाइप भी दिखाई दे रहा है और इसमें हमको किसी को भी रो को ड्रॉप करना है तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि df.drop करना है, कौन से वाले ना, df का जो इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो इंडेक्स का मतलब यही होता है कि इसमें कौन सा इंडेक्स है, स्टार्ट कितने से है, स्टॉप कितने पे है और कितने कितने है। तो इंडेक्स यही है, इसको मालूम होना चाहिए। तो हमें इसमें से रेंज इंडेक्स नहीं चाहिए, इसका gx का जीरो वाले को इन प्लेस और इसको करना है वही df.drop df का इंडेक्स इन प्लेस टू करना है। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, देखते हैं फिर भी ऐसा होगा या नहीं होगा। नहीं हो रहा है, ठीक है रहने दीजिए, ये नहीं हो रहा है, ड्रॉप इंडेक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, इन प्लेस नहीं हो रहा है। तो इसका और एक काम करते हैं, इसका और एक काम करते हैं कि जैसे कि इसका जो हमने इसके बारे में बताया, तो इसका ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इसका कॉलम नेम को चेंज करने के काम करते हैं, कॉलम नेम को चेंज करने के काम करते हैं। तो इसमें कॉलम नेम दिया गया चुका है और इसमें जो कॉलम नेम है इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यही सारे कॉलम नेम इसमें दिया जा चुका है और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें एक काम कर लेते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है ये भी जान लेते हैं। तो इसमें df.dtype dy डेटा टाइप क्या है। तो ये सारे के सारे डेटा टाइप हमको आ गए कि सारे के फ्लोट है, ये फ्लोट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोट है, ये ऑब्जेक्ट है,
और ये ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा टाइप आ गए, तो इसका कॉलम नेम चेंज करना है। तो हम इसमें एक चीज़ देख देते हैं, इसमें एन कॉल न्यू कॉलम ले लेते हैं और वो लिस्ट में ले लेते हैं, उसके सारे के सारे हिसाब से ले लेते हैं। ए कोई पहले वाले को ले लेते हैं डी, और दूसरे वाले को ले लेते हैं कौन सा है फिर से देख लेते हैं पी, तीसरे वाले को ले लेते हैं एस, चौथे वाले को ले लेते हैं डब्ल्यू ईट, पाँचवें वाले को ले लेते हैं वे हार्ट ड्रिंक डब्ल्यू डी हार्ट ड्रिंक, और लास्ट वाले को ले लेते हैं वे दा डब्ल्यू डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई। अब हमने ले लिया इसके सारे के सारे को लिस्ट में ले लिया। अब इसमें जो डेटा हम एक्सेस करते हैं, इसमें हम एक चीज़ जुड़ देते हैं, एक ज़्यादा चीज़ जुड़ देते हैं उसमें डॉट, इसमें नेम्स लिख लेते हैं नेम्स, और इसमें कॉलम न्यू कॉलम जो है वो एन कॉल है, एन कॉल एन सॉरी इसमें गलती हो गई, एन कॉल लिख लेते हैं, और उसके बाद इस सारे को एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें डी ए प्रिंट करेंगे। तो इसके जो अभी वाला कॉलम है वो दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डी ए का पी वाला कॉलम में जो भी है और उसका जो ऑब्जेक्ट है अब वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ऑब्जेक्ट ही है पहले भी ऑब्जेक्ट था, और डी ए का वही प्ले वाला जो कॉलम था वो सेम है। क्या गलती कर दी, डी एफ का प्ले पी एल प्ले प्ले पी एल ए वाई पी एल ए वाई प्ले वाले में जो था, अब तो प्ले वाला नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो कॉलम का जो नेम है उसको हमने चेंज कर लिया है, जो कि कॉलम नेम बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक में होता है उसको हम इसीलिए चेंज कर लेते हैं। और इसमें हम एक काम करते हैं डी एफ का रीनेम कर लेते हैं, रीनेम रीनेम फंक्शन है इसमें, रीनेम कर लेते हैं कौन सा कॉलम रीनेम करना है, तो कॉलम डाल देते हैं कॉलम सी ओ एल सी ओ एल रीनेम सी ओ एल यू एन एम एस कॉलम कॉलम जो है उसको हमको किसको किसको रीनेम करना है, इसका पी वाला कॉलम को हमें फिर से वर्ल्ड प्ले डब्ल्यू आर एल डी वर्ल्ड वर्ल्ड पी एल ए वाई करना है, अभी यही करना है सिर्फ यही करना है। और सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर भी देखते हैं होता है या नहीं होता, तो नहीं होता ठीक है। तो एक कॉलम नेम हमको चेंज करना आ गया, और इसके बाद हमें कॉलम टाइप चेंज करना है। तो डी एफ का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ले लिया डिस्क्रिप्शन डी ई एस डिस्क्राइब डिस्क्राइब हो गया, ये कौन सा है इसमें काउंट कितना है यूनियन कितना है टॉप कितना है फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सारे के सारे डिस्क्राइब हो चुका है। और इसका जो डी एफ का डी टाइप है वो भी देख लेते हैं, तो डेटा टाइप सभी ऑब्जेक्ट हो चुका है, लेकिन पहले डेटा टाइप सभी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसका सभी ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो इसलिए इसको हम इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे भी हमको ए वाला चीज़ घटा देते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। आप डी एफ का डी टाइप लिख देख लेते हैं, तो इसका बहुत सारे कॉम्बिनेशन में है, वो पहले वाला डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि ठीक है बाद में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रहने दे दीजिए, और इसको इसमें जो डेटा है उस डेटा में से हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से डी एफ का जो जो
डीएफ का जो कौन सा वाला है फिर से देख लेते हैं। डीएफ का ही कोई व्हाट ईट वाला एक चीज़ है, तो डीएफ का जो WHAT व्हाट ईट को यूनिक करते हैं, और इस यूनिक करने से इसमें यूनिक वाला वैल्यू ही आ जाएगा, और इसको यूनिक करके टू लिस्ट में ले सकते हैं, और एक लिस्ट ले लेते हैं इसको LST लिख लेते हैं, तो लिस्ट में ले लिया, और अगर LST करेंगे तो वो लिस्ट में आ जाएगा। तो लिस्ट में आ चुका है, और इसका एक काम हमें और करना है कि इसके जो कॉलम है उसको हमें रिप्लेस करना है, तो हम वो कोशिश करेंगे। तो इसमें एक कॉलम का नाम है वाटर ड्रिंक, यही कॉलम को हम लिख लेते हैं वाटर ड्रिंक, वाटर इसको सभी को मिटा देते हैं, डीएफ का WATER वाटर ड्रिंक कॉपी कर लेते हैं, वाटर ड्रिंक कॉलम है, और उसको डीएफ का वही वाटर ड्रिंक कॉलम ही लेना है, और उसमें हमें मैप करना है .map मैप, मैक्सिमम भी ढूंढ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैक्सिमम भी ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए यही करना काफ़ी है, इसमें से मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं और मिनिमम को भी ढूंढ सकते हैं, मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया, मिनिमम को भी ढूंढ सकते हैं, और इसका मीन भी निकाल सकते हैं, और इसका मोड भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं, और इसका मीन मोड मीडियम मीडियम भी निकाल सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं, तो यही नहीं करना है हमें। तो डीएफ का वाटर का जो है उसको वो सारे के सारे को सिलेक्ट करके इसको कॉपी करके इजिकल टू यहाँ पे डाल के इसका मैप करना है, और इसको मैप करके क्या करना है कि इसका मैप करके वही लैम्डा LAM जो एक फंक्शन टाइप का है, लैम्डा का वैल्यूज भी है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं, ये टर्मिनल पे कंसोल कहाँ गए, रन, इसको छोटा कर देते हैं, वैल्यू भी ALUE replace, लेकिन हम पहले कर चुके हैं, और इसको डॉलर से रिप्लेस कर देते हैं, और इसको ऐसे ही डाल देते हैं, एंड में डाल जाके देख लेते हैं, फिर से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा स्क्रीन बहुत ही छोटा है, तो इसको सिंगल कोटेशन करके एंटर कर देते हैं, तो नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़िए, नहीं हो रहा है तो नहीं होने दीजिए। तो इसको हम एक अलग तरीके से करना चाहेंगे कि डीएफ का जो वाटरमार्क है इसका मीन मीडियम तो हमने निकाल लिया, उसी तरह हमको इसको पेस्ट करना है, और उसका एज टाइप उसको फ्लोट करना है। तो अब हम वही डीएफ को दिखा लेते हैं, तो देख लीजिए कि फ्लोट में तो पहले से ही था, फ्लोट में आ गया, तो एज टाइप इसको इंटीजर करना है, तो इसका वैल्यू मिसिंग हो जाएगा शायद, तो देख लीजिए इसका वैल्यू मिसिंग हो गया। तो इसी तरह हम किसी भी कॉलम को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और इसका जो आप डिस्क्रिप्शन अगर अब अगर इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे DES डिस्क्राइब, तो ए फ्लोट में है, लेकिन कन्वर्ट तो हमने किया ना फ्लोट में, उसको टाइप को चेंज किया तो इंटीजर में हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं।
आप डेटा रिलेटेड जो थी चीज़ है उसके बारे में थोड़ा दिक्कत पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हो जाएगा। तो डेटा का डेटा जो है हमारा जो डेटा है, तो यहाँ पे डेटा रिलेटेड चीज़ भी है, तो डेटा का बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हम एक सिंपल सी काम करते हैं कि डेटा को बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा वाला चीज़ है उसको डेस किया जाता है, डेस डेस किया जा रहा है, डेस का डिस्क्राइब किया जाता है। तो डिस्क्राइब कर दो, तो ये डेस है, तो इसका डेटा टाइप डेस है। तो इसको हम सॉर्ट करेंगे, ये सॉर्टेड नहीं है, पहले हम दिखा देते हैं कि सॉर्टेड नहीं है, देख लीजिए सॉर्टेड नहीं है। तो इसको सॉर्ट करना है, तो df का डेटा टाइप को सॉर्ट करना है, बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन ये हमें करना है। df का जो डेज है वो सारे के सारे सॉर्ट हो जाएंगे, डेज है उसको सॉर्ट करना है। इसका ही df का ही डेज से और उसके उसको अप्लाई करना है, app अप्लाई करना है, उसमें जो पहले इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। pd डॉट टू डेट टाइम, तो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? तो ये पहले से डेट टाइम में क्या कन्वर्ट है? नहीं है, df का डेट से, तो उसका डेट को अप्लाई को डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो डेज क्या कर रहे हैं कि इसमें टेकन एटलीस्ट वन आर्गुमेंट एंड 0 इज गिवन pd का डेट टाइम। अब हो चुका, आप इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुका है, डेट टाइम वाले में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें टाइम भी आ रहा है। तो इसको अब अगर हम सॉर्ट करना चाहेंगे, तो df का जो सारे के सारे एलिमेंट है उसको df का डेज से सॉर्ट करना है, डेज से df का डॉट सॉर्ट बाय वैल्यूज, जहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, बाय बाय डेज है, बाय डेज है, और इसको असेंडिंग में सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्ट हो चुका, आप देखिए पूरा का पूरा डेट जो है वो असेंडिंग में सॉर्ट हो चुका। और इसके अलावा भी हम डेज के बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेट डी का डेज का मिनिमम निकाल सकते हैं कि मिनिमम डेट कौन सा है भाई बता दो, तो ये मिनिमम डेट हमको बता देगा, और मैक्सिमम डेट कौन सा है बता दो, तो ये मैक्सिमम डेट हमको बता देगा। और इसका इसका जो हम माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, यही सारे जो डेट के अंदर होता है प्लस माइनस वाला काम भी हम कर सकते हैं। तो यही छोटी सी बात हमने आपको बताया, और इसके बारे में हम डेस्क डेस्क में डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।